हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं इसमें फिर से एक नई वीडियो के माध्यम से रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की जो परीक्षा थी उसमें जो है आरआरबी मुंबई ने अपनी कट ऑफ जारी कर दी है। दोनों जो है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट और मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट दोनों की कट ऑफ यहाँ से उसने जारी कर दी है। ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे उस वीडियो में कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें बात करेंगे जो लॉग वेटिंग वाले हैं उनके सेलेक्शन होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं वो लिस्ट खोल लेता हूँ जो आरआरबी मुंबई ने अभी जारी की है। चलिए सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे ही आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी मुंबई से इसको ओपन करेंगे, वहाँ जाके नोटिफिकेशन में नोटिस में जाके ओपन करेंगे तो आपको जो है आपको ये लिस्ट यहाँ से मिल जाएगी, मेन लिस्ट और वेटिंग कैंडिडेट्स वाली लिस्ट। तो ये मैंने जो है मेन लिस्ट यहाँ से ओपन कर रखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आप कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले इसमें जो कट ऑफ देखेंगे हम वो देखेंगे एएलपी के लिए कितनी गई है। ठीक है, तो ये जो है इसमें 5 पेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो एएलपी की सबसे यहाँ पे नीचे दी हुई है कट ऑफ। ठीक है, नीचे लिख रहा है CR1, 2CR, 3SCR, डब्ल्यू बेस्ट है ना, WR। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे हो गया, ये सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ इस पर कट ऑफ दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं नीचे, इसमें थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो यहाँ से कट ऑफ दी हुई है मुंबई जोन की। तो यहाँ से देख लेते हैं जो हमारे जनरल कैंडिडेट थे उनके लिए यहाँ 71.34 है। जो एससी कैंडिडेट की उनकी कट ऑफ है यहाँ 65.08। जो एसटी कैंडिडेट है 58.69 और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ है यहाँ से 68.88 यहाँ से कट ऑफ गई है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ सेंट्रल रीजन में और दे रखा है यहाँ से 71.49। ये एससी की कट ऑफ है यहाँ से 64.18। यहाँ ये एसटी कट ऑफ है 58.11 और ओबीसी कट ऑफ है 68.53। ठीक है, नीचे देख लेते हैं यहाँ 70.71 है और यहाँ से 71.97। यहाँ एससी कट ऑफ देख लेते हैं 63 और 64 कट ऑफ है। यहाँ एसटी की 57 है और 59 है और ओबीसी की यहाँ से 68 है, 68.23 है और 68.48 है। तो इतनी कट ऑफ यहाँ से ये गई है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पीसीएम की कट ऑफ कितनी गई है। ठीक है, तो पीसीएम की कट ऑफ यहाँ से आपको सबसे पहले देख लेते हैं ना, 134 उनका नंबर है, 134 और 136 नंबर है, वो देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये देखिए जरा, यहाँ है आपको ये दिया हुआ यहाँ से टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन 134 है ना, ये अलग अलग जोन का दे रखा है। तो जो जनरल कैंडिडेट की है 84.62 है, 83.75 है, 83.75 है। यहाँ से ये जो कट ऑफ दे रखी है यहाँ से नीचे दे रखी है एससी की 76.82, 76.10, 76.16। यहाँ एसटी है 74.28, 73.94, 78.45 और यहाँ से ओबीसी 83.36, 82.93, 82.93। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पीसीएम कट ऑफ जो है यहाँ से अच्छी गई है यहाँ से भी। ठीक है, कुछ और बचे हुए नीचे यहाँ से 136 नंबर तक यहाँ तक देख सकते हैं, ये है ना 84-86 गया है यहाँ से। यहाँ से ओबीसी की जो कट ऑफ है ये एक्स सर्विस की कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं पीसीएम की कट ऑफ यहाँ कितनी गई है। ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ है वो देखने लायक ये है। ठीक है, यहाँ देखिए जो आपकी ट्रेड थी बेल्डर, ठीक है, तो बेल्डर की कट ऑफ यहाँ से 83 गई है जनरल की, और यहाँ से जो ओबीसी कट ऑफ है वहाँ से 34 गई है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टेक्नीशियन में अलग अलग ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जो आपकी टेक्नीशियन थे आप आईटीआई वाले, जो आपकी ट्रेड थी आप उसी उन्हीं अनुसार इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला डॉक्यूमेंट है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, इसका यहाँ स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप अलग अलग कट ऑफ देख सकते हैं। तीसरा स्क्रीनशॉट ये है यहाँ से, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन कट ऑफ देख सकते हैं। ये चौथा डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका। ठीक है, और नीचे फिर देख लेते हैं ये नीचे, ये पांचवा आपका डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कट ऑफ गई है यहाँ से ना, कुछ की कट ऑफ तो बहुत कम गई, जैसे मैशन हो गया ये है ना, तो कुछ की ट्रेड की कट ऑफ बहुत कम गई है। तो यहाँ से ये आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ यहाँ से कितनी गई है। ये मैंने उसके नीचे से स्टैंड बाई लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट खोल रही है। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं कट ऑफ, सबसे पहले एएलपी की कट ऑफ देख लेते हैं, है ना, कितनी गई है एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो कट ऑफ है। ठीक है, वो देख लेते हैं यहाँ से, यहाँ से देखिए कितनी कट ऑफ है, ये है 66 ही गई है यहाँ पे, एससी की 61 है यहाँ से। ठीक है, एसटी की 53 है और यहाँ से जो ओबीसी की कट ऑफ है वो है 65 65 65, यानी कि 3-4 नंबर का यहाँ पे अंतर कट ऑफ को देखने का यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पीसीएम के लिए, है ना, पीसीएम में कितनी कट ऑफ यहाँ से गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जरा ये, इसको आप देख सकते हैं यहाँ से पीसीएम के लिए आप उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं पीसीएम की कट ऑफ जो है स्टैंड बाई कितनी गई है कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उसको सबसे पहले देख लेता हूँ कहाँ चला गया, 134 136, देखो ये है। ठीक है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हाँ यहाँ से देख सकते हैं, ये
इक्यासी बयासी बयासी इक्यासी यहाँ तक कट ऑफ गई, यानी कि कहने का मतलब 4-5 नंबर का इसमें जो है डिक्रीज हुए, रिड्यूस नंबर हुए है ना, कट ऑफ थोड़ी 3-4 नंबर नीचे लगाई गई है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आप इसका यहाँ से भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा डॉक्यूमेंट्स हो गया, और चौथा जिसमें टोटल 4 हैं, इसकी यहाँ से कट ऑफ आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब जो आपके जो मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट उनका सिलेक्शन तो 100% होना है, उनका जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है कि जो मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं कुछ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो रहे हैं, कुछ मेडिकल में हो रहे हैं, कुछ लोग अब्सेंट हैं, ठीक है। तो उनका नंबर बाद में आएगा, लेकिन लगभग सबका सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपके सारे जोनों की कट ऑफ यहाँ से चैनल पर बताता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।